साथ ही 14 तारीख को पूरे देश में जो हमारे किसान 215 के करीब शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जवान जो बालाकोट में शहीद हुए थे साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में मशाल जुलूस मोमबत्ती मार्च करने हैं। करोगे सभी श्रद्धांजलि देने के लिए करेंगे। और 16 तारीख को फिर सर छोटू राम का बसंत वाले दिन मनाना है पूरे देश में सर छोटू राम की जीवनी उनके जो उन्होंने किसानों के लिए खेती के लिए जो भी योगदान किया है उसको पूरे देश में योगदान जो है उसको जिला स्तर में और ब्लॉक स्तर में उसको याद करते हुए बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग की जाएगी। इसको सारे देश में मनाना है। हरियाणा की धरती में हम बैठे हैं, साथ में दिल्ली है जहाँ लोग बैठे हैं। एक वादा करो कि जिस दिन आपकी लीडरशिप में ऐसे हम आमंत्रण कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग दक्षिण में पूर्व में या पश्चिम में सब जगह लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और दिन आ सकता है और आपके ऊपर हमें विश्वास है जिस दिन हम काल देंगे कि आओ पैदल मार्च करके दिल्ली की तरफ आओ आओगे कि हमारे जब हम रात को देंगे तो ये विश्वास के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम तब तक यहाँ रहेंगे दिल्ली में जब तक किसानों की मांगों का पूरा कोई मोदी सरकार मान नहीं जाती। इसके लिए आज की पंचायत में आए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जगह लेता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अभी इनका पगड़ी बांध के सम्मानित कर रहे पंडित आदर्श जी और मैं निवेदन करूंगा संदीप पिटेवाल पाटिल महाराष्ट्र से आए हैं वो कृपा अपने विचार रखें।